मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बरकरार है। इंदौर जिला प्रशासन द्वारा कई निजी अस्पतालों में वार्ड बेड बढ़ाने के लिए प्रयास जारी है। इस कड़ी में रेलवे विभाग ने अपने रेल कोच में बने आइसोलेट वार्ड को जिला प्रशासन को सौंप दिया है। राज्य सरकार के उपयोग के लिए रतलाम, इंदौर, उज्जैन सहित 120 आइसोलेट रेलवे वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें राज्य सरकार प्रदेश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर इस आइसोलेट वार्ड की सुविधा ले सकता है। रेलवे पीआरओ अधिकारी जितेंद्र कुमार जयंत ने बताया कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए रेल प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। रेल प्रशासन द्वारा 120 आइसोलेट वार्ड तैयार किए गए हैं, जिसमें रतलाम में 40, इंदौर स्टेशन पर 33 और बाकी बचे उज्जैन में बनाए गए हैं। देखिए, जैसे कोरोना भारतवर्ष में कदम रखा था और लॉकडाउन हुआ था 22 मार्च के बाद में, तो रेल प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। उससे पहले हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किए थे, करीब 120 हमारे वार्ड हैं, जिसमें कि रतलाम में 40 हैं, यहाँ पे 33 हैं और उज्जैन में भी हैं। तो ये हर एक रूम में एक व्यक्ति के लिए व्यवस्था की रखी हुई है और ये हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को हैंडओवर भी कर दिया है। साथ में हम लोगों ने जो कोचेज थे उनको आइसोलेशन कोच में हमने कन्वर्ट किया था, जिसमें दोनों साइड में बाथरूम और लैट्रिन अलग अलग रखे थे और हर जो कूपे होता है तो उसमें एक प्लास्टिक का हमने कार्टन लगाया था, जिससे कि एक दूसरे को कोई भी हानि ना हो। तो कुल मिला के हम लोगों ने 75 आइसोलेशन कोच तैयार करके रखे हुए हैं और इसके साथ में हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को हैंडओवर भी किया है, बता दिया है कि हम जब भी आवश्यकता हो हम कोच दे सकते हैं और आपको ये सुविधाएँ दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।